हमारे साथ दो मेहमान और जुड़े हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जिसमें वीसी के पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर थिरुमावलवन जी, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं लोकसभा से अपने तमिलनाडु से, और दूसरे डॉक्टर रवि कुमार जी, आप भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं लोकसभा से, दोनों आप जनरल सेक्रेटरी, नेशनल जनरल सेक्रेटरी हैं वीसी के और आप नेशनल प्रेसिडेंट हैं। आज एक केस कोर्ट में लगा हुआ था, चीफ जस्टिस साहब की कोर्ट में, और आप जानकर हैरान होंगे जो डाटा मैं अब आपके सामने दे रहा हूं कि इस देश का इलेक्शन कमीशन किस कदर बेईमान और किस कदर गैर जिम्मेदार, मैं दोनों शब्द यूज कर रहा हूं, और सरकार के साथ मिलकर इस देश के जो वोटर्स हैं उनके साथ कितना बड़ा धोखा किया जा रहा है। संविधान का अनुच्छेद 324 इलेक्शन कमीशन को जितनी पावर देता है वो सिर्फ इसलिए कि वो इंडिपेंडेंटली फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन करा सके। वो जो बाकी बेईमानी कर रहा है और किस तरह से जो चुनाव आयोग जिन मशीनों को यूज कर रहा है कहीं से भी वो सर्टिफाइड और वेरीफाइड नहीं है, जो हम आपके सामने आरटीआई के माध्यम से खुलासा कर चुके हैं, और इसके साथ साथ जिस तरह से बीजेपी के पदाधिकारी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के रूप में सारा वो काम संभाल रहे हैं जो ईवीएम बनाने का है, वीवीपैट बनाने का है, और सीक्रेट इनक्रप्टेड कोड जो कोर है उसके लिए जो चिप इस्तेमाल होती है, उन सब के डेवलपमेंट में किस तरह का उनका रोल है। अगर सीधे से कहूं कि बीजेपी ही मशीन बना रही है और इलेक्शन भी बीजेपी ही करा रही है। सो आज जो केस कोर्ट में था वो इस बात के लिए था कि जो वोटर लिस्ट फाइनली जारी की है इलेक्शन कमीशन ने पूरे देश के लिए, जो 2024 का चुनाव होने वाला है, जो 1 जनवरी 2024 को बेस लेके उन्होंने सारा सर्वे कराया, और इलेक्शन कमीशन ने एक लेटर जो जारी किया उस लेटर में बाकायदा लिखा कि जो वोटर लिस्ट बनानी है उसमें डोर टू डोर जाके, यानी घर घर जाके ये वेरीफाई करना है कौन कौन वोटर हैं, कौन नया वोटर है, कौन मर गया और कौन व्यक्ति यहां से जाके दूसरी जगह शिफ्ट कर गया, यह बाकायदा डायरेक्शन दी गई। लेकिन जब डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, जो डिस्ट्रिक्ट इलेक्टोरल ऑफिसर होता है, पहले ये लेटर हर स्टेट के इलेक्शन ऑफिसर जो है उनको जारी किया गया और उसके माध्यम से इस ऑर्डर की कॉपी नीचे डीएम एसडीएम तक भेजी गई कि ये आपको काम करना है, और उसके बाद में जो कलेक्टर्स हैं उन कलेक्टर्स ने बीएलओ और एसडीएम वगैरह उनकी रिपोर्ट के आधार पर एक सर्टिफिकेट वो जारी करते हैं कि ये जो वोटर लिस्ट है ये सब कुछ चेक करने के बाद पूरी तरह से सही है और अब हम इसको जारी कर रहे हैं और भेज रहे हैं, हम भेज रहे हैं इसको। सो उसके बाद वो सारी चीजें होके इलेक्शन कमीशन के पास आती है, देन फाइनल जो वोटर लिस्ट है वो जारी होती है सबकी। वो जो वोटर लिस्ट जारी हुई है, आप जान के हैरान होंगे, उन वोटर लिस्ट में अकेले, मैं उत्तर प्रदेश की बात बता रहा हूं, अकेले उत्तर प्रदेश में 71 लाख वोटर्स डुप्लीकेट हैं, अकेले एक प्रदेश में, और बाकी 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने वोटर्स डुप्लीकेट हैं। यह मामला सुप्रीम कोर्ट में था, चीफ साहब की कोर्ट में था, और इसके साथ साथ मैं कुछ और डाटा आपके सामने दूंगा जिससे आप जानेंगे कि इलेक्शन कमीशन किस कदर बेईमान और निकम्मा है, जो जिम्मेदारी संविधान ने उसको सौंपी उस जिम्मेदारी को निभा नहीं रहा है, और इतनी हेर फेर है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। मैं कुछ डाटा उसके विषय में आपको देता हूं
ये तो मैंने आपको बताया कि डुप्लीकेट किस तरह से है। डुप्लीकेट किस आधार पर है? डुप्लीकेट है भाई, चेहरे से आप पहचान लो। किसी का फोटो, एक ही व्यक्ति का फोटो दो तीन चार जगह हो सकता है, एक ही व्यक्ति का नाम दो तीन चार जगह हो सकता है। सो इस आधार पर जो डुप्लीकेट है वो 71 लाख वोट है। आप कहेंगे कैसे काम आएंगी ये जो फेज में कराता है ना इलेक्शन कमीशन, ये उसी बेईमानी में काम आते हैं। माना 1000, 2000 या 5000 लोगों की वोटें यहां पर हैं डुप्लीकेट इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में। इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में पहले फेज में हो रहा चुनाव, देन अगली कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है उसमें अगले फेज में चुनाव होगा, वहां भी वही वोटर है, फिर तीसरे में होगा। सो ये जो लोग हैं ये इस तरह से वोट दे के काम आते हैं। अब आप कल्पना कीजिए कि जहां पे 100 वोटों से, 50 वोटों से, 500, 1000, 2000, 4000 वोटों से हार जीत होती है, वहां 71 लाख वोटों में कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसी साफ हो जाएंगी, कितनी बड़ी बेईमानी हो जाएंगी। और इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि एक भी वोटर जो 18 साल का है और जिंदा है उसकी वोट वोटर लिस्ट में आए बिना न रह जाए, उसका नाम आए बिना न रह जाए, और कोई डुप्लीकेट या किसी तरह की भी गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। यह मुकदमा चल रहा है। अब मैं आपको बताता हूं, इसके अलावा एक और बड़ा मजेदार डाटा है। इलेक्शन कमीशन कहता है कि 18 से 19 साल के जो लोग, बच्चे हैं, जो नए वोटर हैं 18 से 19 साल के, वो ओवरऑल जो है पूरे देश में उनकी संख्या जो कुल वोटर हैं उसकी 4.5% कहीं 4.38% है, कहीं 4.56% है, कहीं 4.1% है, कहीं 3.89%। तो एवरेज जो है वो 4% जो वोटर है वो 18 से 19 साल का है। अब मैं आपको आंकड़े दिखाता हूँ आपके, आप चौंकाने वाले आंकड़े आपके सामने आएंगे। एक आंकड़ा मैं दिखाता हूँ, सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कॉन्स्टिट्यूएंसी बनारस जिले का मैं आपको डाटा दिखाता हूं। ये सारे के सारे डाटा इलेक्शन कमीशन ने दिए हैं, हमारे नहीं है, ये उसके द्वारा दिए हैं। ये डाटा कहता है बनारस में 8 विधानसभा हैं, एक मतलब पूरे जिले में जो टोटल वोट हैं उन 8 जिलों में, वो सॉरी 8 विधानसभाओं में या बनारस जिले में, वो है 30,30,426। जो सर्वे कराया गया डोर टू डोर जैसा वो इलेक्शन कमीशन बता रहा है, वह है 30,30,426, यानी हर वोटर का उन्होंने डोर टू डोर सर्वे करा लिया। उसके बाद में जो मर गए हैं वो लोग, वो मर गए हैं इलेक्शन कमीशन बताता है 1182 मर गए, बनारस की बात बता रहा हूं मैं। इसके अलावा जो शिफ्टेड हैं यहां से छोड़ के कहीं और चले गए, उनकी संख्या है 3285। तो वोट कौन से कटने चाहिए थे, जो मर गए और जो वहां से छोड़ के चले गए, शिफ्ट हो गए, यही तो वोट कटने चाहिए थे वोटर लिस्ट में से। वोट कटी कितनी, अब ये मजेदार आंकड़ा, इनके हिसाब से जो वोट कटनी चाहिए थी जो मरे हुए की और शिफ्टेड की हैं, वो 5388, ये टोटल वोट कटनी थी। तो 5388 की बजाय वोट कितनी काटी, 55,545 वोटें काट दी गई। आप समझ रहे हैं, इतनी वोटें काट दी गई। इसके अलावा जो डाटा बता रहे हैं वो 18 से 19 वर्ष के जो युवा हैं, जो सत्यापन के बाद यानी वेरिफिकेशन के बाद आए हैं, वो डाटा है उनका कुल चिन्हित मतदाता 4,018 और ERO नेट पर फॉर्म 6 के माध्यम से जो थे वो है 3,920। और ये कह रहे हैं कि आयोग के परसेंटेज सेंसस पॉपुलेशन के आधार पर, सेंसस के आधार पर कह रहे हैं, लेकिन हमने सेंसस को छोड़ जो वोटर हैं उसी के आधार पर हम निकाल लें। सो जो 30,30,426 टोटल वोटर हैं, ये कहते हैं 4.38 18 से 19 साल के वोटर हैं। तो कितने आने चाहिए, ये वोटर आने चाहिए 1,32,733,
18 से 19 साल के इतने वोटर होने चाहिए। हैं कितने? 4018 प्लस 3920 यानी कि 7938। इतने युवाओं के वोट गायब, और जो उसमें जोड़े गए हैं मरे हैं जितने, शिफ्टेड जितने हुए हैं उनकी संख्या इतनी, और उसमें 55,000 गायब कर दिए गए। ये है इलेक्शन कमीशन के द्वारा इस देश के मतदाताओं की पीठ में छुरा भोंकना। अब और एक डाटा आपको मजेदार देता हूं। ये तो मैंने केवल एक दिया प्रधानमंत्री, क्योंकि वो जो कॉन्स्टेंसी है भाई, प्रधानमंत्री की कॉन्स्टेंसी, जब प्रधानमंत्री की कॉन्स्टेंसी में यह हाल है, सो बाकी जगह क्या हाल होगा इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। अब एक और डाटा जो दिल्ली का है, मैं दिल्ली का डाटा भी, इन्होंने जो दिया इलेक्शन कमीशन ने 4% के हिसाब से जो 18-19 साल के वो होने चाहिए, मैं एक दो का देता हूं आपको, देन उसके बाद में आपको पता लग जाएगी कि क्या क्या वोटर लिस्ट में हेर फेर है। और इसी जो गलत वोटर लिस्ट है, इसी के आधार पर ये बेईमान इलेक्शन कमीशन वोट इलेक्शन कराना चाहता है, जो हम किसी सूरत पर भी होने नहीं देंगे जब तक ये डाटा पूरा का पूरा सही नहीं होगा। और इसके विषय में बाकायदा इलेक्शन कमिश्नर तीनों के खिलाफ, जो कलेक्टर्स हैं हर जिले के, क्योंकि वो सब इन्वॉल्व हैं इसमें, और स्टेट के जो इलेक्शन कमिश्नर, जो इलेक्शन ऑफिसर्स हैं, सबके खिलाफ FIR कराई जाएगी IPC की धाराओं में।